पेपर में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, पेपरों की चेकिंग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होनी चाहिए। कुछ ऐसी ही मांगे लेकर हरियाणा बोर्ड पहुंचता है सलाह। स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन मांगे होती हैं बहुत सारी, जो कि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे ऑनलाइन चेकिंग, यानी कि जो डिजिटल चेकिंग अब की बार हरियाणा बोर्ड कर रहा है वो सही है या फिर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम, आप देख रहे हैं एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इस साल हरियाणा बोर्ड ने कहा है कि हम जो है अपनी कॉपियों की डिजिटल चेकिंग करेंगे, यानी कि ऑनलाइन चेकिंग करेंगे। और कहा ही नहीं है, अक्टूबर में हुई परीक्षाओं में डिजिटल चेकिंग हुई भी है। तो बात करते हैं कि उसी डिजिटल चेकिंग को लेकर सलाह, यानी कि एक प्रतिनिधिमंडल जो है हरियाणा के जो लेक्चरर्स हैं उनका एक समूह है, वो पहुँच गया बोर्ड अपना एक पत्र लेकर, अपना एक ज्ञापन लेकर कि कुछ चीज़ें जो है हरियाणा बोर्ड अब की बार ना करे। और क्या क्या उनकी मांगे थी वो आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की ये रिपोर्ट है। उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन पर सलाह ने एतराज़ जताया, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को सौंपा पत्र। आप लोग देख सकते हैं जो सलाह के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष हैं वो खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक पत्र सौंप रहे हैं किसको, बोर्ड चेयरमैन को, कि कुछ मांगे हैं इस पत्र में उनको। प्लीज़ और प्लीज़ एक बार देखिए, सोचिए उनके ऊपर और उनको मानिए। अब ऐसी क्या क्या मांगे हैं उस पत्र में, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सौंपा मांग पत्र, यानी कि ये सारी की सारी यहाँ पर जो बताई गई हैं ये कुछ चीज़ें उस लेटर में, उस पत्र में, उस ज्ञापन में बताई गई थी। प्रायोगिक परीक्षा, ऑब्जर्वर, बोर्ड परीक्षा, फ्लाइंग ड्यूटी व मार्किंग के लिए मानदेय CBSE बोर्ड के आधार पर निर्धारित किया जाए। यानी कि पहली बात जो बोली गई वो उन्होंने अपने लिए बोली, स्टूडेंट्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो टीचर्स बोर्ड में एग्ज़ाम में ड्यूटी देते हैं उनको अच्छे खासे मतलब पैसे मिलने चाहिए, मानदेय उनका बढ़ना चाहिए। सेकंड बात लिखी, निर्धारित समय 30 दिन में मिलना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि एग्ज़ाम हुए थे मार्च में और उनको तनख्वाह मिल रही है जाके अक्टूबर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। उनको जो है 30 दिन के अंदर उनकी पैसे मिलने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो है स्टार्टिंग की ये टीचर्स के लिए थी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ उन बातों के ऊपर जो आपको भी अफेक्ट करती हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। ये देखिए, ऑनलाइन मार्किंग में बोर्ड को स्कैनिंग व लैपटॉप में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि ये मार्किंग ऑफलाइन की जाए तो शिक्षकों को ज़्यादा मानदेय दिया जा सकता है। यानी कि उनका कहना है कि जो ऑनलाइन कॉपी चेकअप की बार हरियाणा बोर्ड करेगा उसमें बहुत सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे और बहुत सारा पैसा खर्च होगा। अगर वही पैसा जो है टीचर्स ऑफलाइन कॉपी चेक करें तो उनको दे दीजिए। यानी कि समझ पा रहे हो यहाँ पर कि भाई ऑनलाइन चेकिंग जो है उसके बारे में इन्होंने बात की। आगे देखो, प्रश्न पत्र वितरण एवं उत्तर पुस्तिका, अब आगे आपके काम की चीज़ें नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है उत्तर पुस्तिकाएँ जो है वो एक जगह रखी जाएँ, तावड़ू में भी यहाँ पर जो है सेंटर बनाया जाए, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं है काम की। यहाँ पर देखो जो आपके काम की लाइन्स है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। 12वीं के लिए भूगोल विषय और 10वीं की विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा अन्य स्कूल के परीक्षक द्वारा ली जानी चाहिए, यानी कि 12th क्लास ज्योग्राफी और 10th क्लास साइंस, ये आपके काम का, ध्यान से सुनिए। 12th क्लास ज्योग्राफी, 10th क्लास साइंस की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अब तक क्या होता था कि स्कूल के टीचर्स ही लेते थे और पूरे पूरे नंबर चढ़ा देते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जो है दूसरे स्कूल के टीचर्स द्वारा ली जानी चाहिए। तो ये एक आपके लिए है। इसके अलावा आगे फिर जो है टीचर्स के बारे में बातें हैं कि भाई उनको जो है पैसा मिलना चाहिए, ये वो। आगे देखो, फिर आपके काम की चीज़ आती है लास्ट में। लास्ट में ये कह रहे हैं 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कथन व कारण, कथन व कारण कौन से क्वेश्चंस हो गए, असर्शन रीजन हिंदी में बोलते हैं, कथन व कारण वाले प्रश्न शामिल न किए जाएं। यानी कि एक पॉइंट इन्होंने रखा कि अब की बार 10th और 12th के जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उनमें आपको पता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे जो कि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड जो है पेपरों में ना डाले, ये भी एक मांग रखी गई। तो आपके काम की चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, किसी विद्यार्थी के नाम, माता पिता का नाम, जन्म स्थान आदि में कोई गलती है तो उसे ठीक करने के लिए ऑनलाइन ही कोई लिंक उपलब्ध कराया जाए, ये नहीं है कि बोर्ड पे घूमना पड़े रोज़ रोज़। तो ये कुछ मांगे थी जो कि यहाँ पर रखी गई, जो मेन थी वो मैंने आपको बताई है। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन ये टीचर्स के लिए आदि मांगे कि उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट के काम की बातें हैं उन पर हम अब चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बात की डिजिटल मार्किंग पे। अब इन्होंने कहा है कि डिजिटल मार्किंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई इनको जो है ऑफलाइन मार्किंग होनी चाहिए ये कह रहे हैं, और पैसा इनको मिल जाना चाहिए जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में लगेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे पर, मैं स्टूडेंट्स की तरफ से बात करता हूँ कि जो डिजिटल मार्किंग है
वो देखिए बोर्ड ने बहुत अच्छा किया है कि बोर्ड बदल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डिजिटल मार्किंग थोड़ी सी जो है अभी सही नहीं है इन एग्जाम्स में, क्योंकि ये एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम्स है। डिजिटल मार्किंग होनी चाहिए जो कंपटीशन वाली नौकरियों वाले जो पेपर होते हैं जिनमें आपको गोले भरने होते हैं वो तो कंप्यूटर चेक कर ले, लेकिन इनमें जो आप 30-30, 40-40 सीट भर के आते हैं, ऐसे बड़े बड़े लिख के आते हैं, क्वेश्चंस लिख के आते हैं, इनको कंप्यूटर जो है वो इतने अच्छे से चेक नहीं कर पाता है। यानी कि टीचर्स ही चेक करेंगे, लेकिन फिर भी जो कंप्यूटर पे चेक करना और एक हाथ में आपकी आंसर शीट लेके चेक करना उसमें बहुत फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप लोग स्टूडेंट लोग या फिर उनके पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई टीचर भी अगर वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने विचार ज़रूर रखें। देखिए विचार रखने की स्वतंत्रता सबको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, लेकिन हम जो है कुछ यहाँ पर जो है कर नहीं सकते, लेकिन अपने विचार तो रख सकते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आगे से आगे पहुँचे तो यहाँ पर देखा भी जाए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि भाई जो डिजिटल चेकिंग अब की बार हरियाणा बोर्ड करेगा उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, वो सही है, सही नहीं है तो क्यों नहीं है, सही है तो सही क्यों है, वो सारे के सारे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा कि 10वीं और 12वीं में कुछ एक सब्जेक्ट हैं जिनकी प्रैक्टिकल्स जो है वो दूसरे स्कूल के टीचर लें। अब तक क्या होता था, और मेरा भी ऐसे ही हुआ था, जब मैं 10th क्लास में था हमारे साइंस के ही टीचर ने हमारी साइंस की प्रैक्टिकल ली थी। अब खुद के टीचर तो अच्छे नंबर ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मांग उठाई गई है कि दूसरे स्कूल के टीचर लें। तीसरा जो स्टूडेंट्स के लिए खबर है वो इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि थोड़े हार्ड होते हैं पेपरों में, तो वो शामिल ना किया जाए, वो पेपरों में ना दिए जाएं। तो ये कुछ मांगे थी जो कि अब रखी हैं। अब देखते हैं इनके ऊपर बोर्ड क्या कहता है आगे। अब अगर बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट आएगी कि भाई बोर्ड इन बातों को मानता है या फिर नहीं मानता, जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा अगर अपडेट आएगी तो, वरना आप लोग अपनी तैयारी पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहिए, जो चीज़ें थी वो वैसे ही रहेंगी, क्योंकि ये जो है अभी सिर्फ और सिर्फ मांगे उठाई गई हैं। अभी बोर्ड ने नहीं कहा है कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, लेकिन बोर्ड जो है वो अपनी सारी चीज़ें पिछली ही करेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो वो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, ओके। लेकिन आप लोग का मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एम होना चाहिए पढ़ाई करना, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं पैटर्न वगैरह की वीडियोज़ आप देख सकते हो। इसके अलावा बोर्ड ने कुछ टिप्स बताए थे उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको जो है टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों का मेन पॉइंट होना चाहिए पढ़ाई। कोई भी अपडेट होगी वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो अगर आपके लिए ज़रूरी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, आपके लिए ज़रूरी नहीं होगी तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक एक मिनट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब डेट शीट आ चुकी है, अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा अगर आपको जो है कोई और अपडेट यहाँ पर जो है मिली हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे भेज सकते हैं, कोई और आपके मन में सवाल हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर करना कि यार क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स पर आप लोग अपना ज़रूर ज़रूर विचार रखना कि भाई ऑनलाइन चेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो टीचर आते हैं वो बाहर से आने चाहिए या खुद के टीचर्स प्रैक्टिकल लेने चाहिए, और जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए, तीनों का आपको जवाब जरूर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।